गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये चैनल पे मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ये चैनल को भी मैं कंटेंट यहाँ पे बनाते रहूँगी, ताकि आप लोग को भी थोड़ा यहाँ पे भी एंटरटेन करो और वहाँ पे भी। तो मेरे दोनों चैनल को टेक सम टाइम और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये वाला जो चैनल है ये मेरा पुराना चैनल है, न्यू चैनल भी मैंने बनाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल सा कॉन्टेंट डालने वाली हूँ, डाल रही हूँ। सो या दोनों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वीडियो इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर। मतलब कुछ ही दिनों में ईद है और आप देख सकते हो कुछ भी अच्छा फंक्शन होने वाला होता है, कुछ भी स्पेशल या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ओकेशन होता है, तब मेरे फेस पे पिंपल आते हैं। यू गाइस कैन सी, अब मेरे को देखो कुछ इस तरीके से पिंपल आया हुआ है, वो भी ऐसी जगह पे जिसको मैं फाउंडेशन और कंसीलर से छुपा भी नहीं सकती। तो इसका बस एक ही इलाज है, अच्छा स्किन केयर। इफ़ यू डू गुड स्किन केयर तो ये सारी चीज़ चली जाएगी। ये एक्चुअली आया हुआ है बहुत ज़्यादा ऑयली खाने की वजह से, जैसे कि हम लोग रोज़ा खोलने के टाइम पे इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आया है। बट जो भी है, टाइमिंग बहुत ख़राब है, तो मैं पूरा अपना जैसे मैं हमेशा स्किन केयर करती हूँ वो सारी चीज़ मैं ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो दिस वीडियो गोना बी रियली लाइक अ स्किन केयर वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज हाउ माई फेस लुक्स लाइक विदाउट एनी मेकअप। रात के 3:30 बज रहे हैं, मतलब सुबह ही होने वाली है। अभी मैं ये स्किन केयर करने के बाद मैं सीधा जाके मैं इफ्तार लाइक सैरी करूँगी, उसके बाद नमाज पढ़ के वापस सोना है। तो क्या अभी मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश किया। फेस वॉश के लिए मैंने बायोटिक का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मैं यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं अगर कुछ भी चेंज करूँगी तो मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है मेरा फेवरेट फेस वॉश, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने फेस वॉश कर चुकी हूँ, तो वो स्टेप मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं आज, वो है ब्लीच करने वाली हूँ मैं। येस, ब्लीच करने वाली हूँ अपने फेस पे नहीं, ये जो मेरे आईब्रोज है ना, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स है मुझे वो निकालना है, ठीक है। मेरे को ईद के लिए वो एक कंसर्न है, तो मैंने ये छोटा सा फेम का मिल जाता है आपको, एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 42 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो इसमें कुछ ऐसे मिल जाता है आपको, एक क्रीम होता है और एक आ जाता है एक्टिवेटर, आई गेस या एक्टिवेटर आ जाता है। तो हमने बस थोड़ा सा क्रीम लेना है, थोड़ा सा एक्टिवेटर लेना है, उसको मिक्स करना है, और जब पेस्ट बनेगा ना उसको हमने यहाँ पे लगाना है। और ये जो बाल है ये गोल्डन हो जाएंगे, गोल्डन होने के बाद में वो बाल नहीं दिखेंगे। ये जो ब्लैक बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अजीब लगता है ना, तो मैं उसको थ्रेडिंग नहीं करती, क्योंकि पूरा पूरा हम इतने रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर हमने थ्रेडिंग कर दी तो क्या ही फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरा कंसर्न है, बट कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते, इट्स अप टू यू। पर मैं इसको ब्लीच करती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो, इट्स वेरी इजी और बहुत अच्छा लुक देता है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स डू दिस। फेम का जो क्रीम का ढक्कन है ना, इसी में मैं थोड़ा सा क्रीम निकाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इतना क्रीम ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिर्फ आईब्रो के नीचे लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा क्रीम ले लिया है, यू गाइस कैन सी, इतना ही लिया है मैंने। नेक्स्ट हमने ये एक्टिवेटर डालना है इसी में, ठीक है, इसी में हमने एक्टिवेटर डालना है, बस इतना सा, बहुत ही कम डाला है मैंने। ओके, दैट्स इट, पूरा इसी में बाकी है, मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना एकदम गोल्डन गोल्डन हो जाओगे और वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत गंदा लगता है। तो या इसको अब हमने मिक्स करनी है, तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसी की मदद से यहाँ पे लगाऊंगी। ये लगाने के लिए मैं कैमरा पे देख के नहीं लगा रही हूँ, मैं मिरर में देख के लगाऊंगी। सो क्या, तो ले लिया मैंने मिरर और यहाँ पे हम लगाने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ध्यान से आपकी आँखों में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, वरना मेरा वीडियो देख के आप लोग आँखों में डाल दोगे, फिर बोलोगे लूलू का देख के किया है, पर नहीं, प्लीज़। हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से, अगर आप हाथ से करना चाहते हो तो हाथ से कर लेना, पर ध्यान से अपनी आँखों में नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारे केमिकल होते हैं, तो या बहुत नुकसान भी हो सकता है इससे आपको। तो यहाँ मैंने लगा दिया, अब मैं यहाँ लगा दूँगी। तो जी हाँ, हमने लगा लिया है, देख सकती हो गाइस, मैं पास आ जाती हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी अपने आँखों से थोड़ा दूर ही रखा है,
आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग अपनी आँखों को डैमेज ना करो, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लगाया, यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी शादी में आईब्रो करवाई थी तो इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कभी आईब्रो नहीं करवाए हो तो आपके आईब्रोज बेटर रहेंगे, बट एक बार भी अगर आप आईब्रो करवा लेते हो तो वो जंगल जैसा आ जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता। तो या जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये सूख रहा है तब तक हम लोग दूसरा स्किन केयर करते हैं, तो ये तो सूखने दो, बाकी तो ऐसे मैं कुछ भी नहीं करना है ताकि पता नहीं मैं कौन सी चीज़ें ना लगा लूँ अभी फेस पे और बाद में मुझे और पिंपल आ जाए, कम होने की जगह और पिंपल आ जाए। तो ये स्किन केयर वीडियो थोड़ा सा एकदम मिनिमल ही रहने वाला है। तो हम अभी यूज़ करेंगे रेज़र, ठीक है। ये जब तक सूख रहा है तब तक हम लोग बाकी फेस पे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर्स है तो हम रेज़र यूज़ करेंगे और अपने हेयर्स निकालेंगे। शेप करने के लिए मेरे पास है ये रेज़र और बायो ऑयल। मैं ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो जो रेज़र वो अच्छे से ग्लाइड हो जाएगा। पर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप बस पानी स्प्रे करो और फिर यूज़ करो, और अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल लगाओ और उसके बाद रेज़र यूज़ करो। तो ये सारे अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मेरा है ड्राई स्किन तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, मैं बायो ऑयल यूज़ कर रही हूँ, पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया, अब मैं यही ऑयल अपने फेस पे लगाऊंगी। तो गाइज आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया है मेरा फेस, और मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, वो अपनी जगह पे ब्लीच सूख रहा है। तो अब हमने लेना है अपना रेज़र, मेक श्योर आपका रेज़र साफ़ हो और नया हो तो बेटर है। एक रेज़र आप 3 से 4 बार ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसको फेंक देना, ठीक है। तो अब हमने रेज़र यूज़ करना है, इसके लिए मैं ले रही हूँ मिरर, ठीक है। और अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने हेयर्स निकालने हैं, और ये चीज़ हराम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अभी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि गलत है, ऐसा नहीं करना है, इस वैसे नहीं करना। यार गेट सम नॉलेज, अपने बाल निकालना जो मर्दानी जैसे दिखते हैं ना, यू नो लाइक मेंस का एक इल्यूजन देता है, वो निकाल सकते हैं। सो इट्स नॉट हराम एट ऑल। जो भी लोग बोलते हैं ना हराम है, उनको बोलना थोड़ा सा जाके पढ़ लो इसके बारे में, गेट सम नॉलेज और फिर बात करो। सो या दिस इज़ हाउ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो फेस रेज़र मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मैं आपको और ज़्यादा नहीं पकाना चाहती, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। हमारा फॉरहेड एकदम क्लियर हो गया है, तो अब जो भी हेयर्स इसमें लगे हुए हैं ना, वो मैं अच्छे से एक क्लॉथ से या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है। सो या इसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है, और अब हम इसको क्लियर कर देंगे। मैं हिजाब पहन के कर रही हूँ इसीलिए इतना मैसी है, अब विदाउट हिजाब करना तो एकदम अच्छे से क्लियरली आपको दिख जाएगा कि कहाँ हेयर्स है कहाँ नहीं है। तो या इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे भी करूँगी, ठीक है। रेज़र यूज़ कर लिया है, अब मैंने क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। पहले मैं ये सारा टिश्यू पेपर से पोंछूंगी, फिर हमने एक साथ ये सारा वॉश करके अभी आती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज बहुत बहुत लाइक कम हो गए, यहाँ से एकदम गोल्डन हो गया है, तो कम लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने आईब्रो थ्रेड किया है, पर मैंने लाइक कुछ आईब्रो थ्रेड नहीं किया है, आईब्रोज नहीं बनवाया मैंने, पर ये एक इल्यूजन दे देता है और इट लुक्स वेरी क्लियर, ठीक है, अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर जब मैं मेकअप करूँगी ना तो एकदम प्लेन कैनवास रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी हेयर्स नहीं है, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आते हैं हम हमारे पिंपल पे, ठीक है। मैं कुछ मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी अभी जाना है, सहरी करनी है, फिर तो ये निकलेगा, डालू लगाऊंगी फिर निकलेगा फिर लगाऊंगी, तो इसीलिए स्किन केयर तो मुझसे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मैं एकदम ही रियल और जेन्युइन सा मेरा स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ आपको, और अब हम करने वाले हैं इसका कुछ इलाज, करने वाले हैं टी ट्री ऑयल, क्योंकि हाँ ये कैसे भी तक चले जाए
उसमें तो मेरी यही दुआ है कि बस ये चले जाए, क्योंकि दिखने में भी बहुत बुरा लग रहा है और मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं कैसे आ गया है। पर या ये है मेरे पास ना द बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहता है। अब मैंने इसके फ्यू ड्रॉप्स इसे निकाल लेने अपने हाथ में, क्लीन हाथ में, ठीक है। अभी मैंने फेस वॉश की हूँ और हैंड्स भी वॉश की हूँ, तो मैं एकदम क्लीन हैंड से लिया है इसमें। और अब सेम आई विल बी अप्लाइंग हियर, इसको मैंने एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज कर रही हूँ, ठीक है, पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ, जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि पिंपल है, एक्ने है, स्पॉट्स है, मैं वहीं पे यूज कर रही हूँ। सो या दैट्स इट, बस इतना ही था। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे डार्क सर्कल है, इसके लिए मैं एक अंडर आई क्रीम यूज करूंगी। तो सोने से पहले मैं लगाती हूँ ये, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। ये है वाओ का अंडर आई क्रीम, ये टी ट्री है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी टी ट्री है। तो या तो अब ये मैंने ऐसे लगा लेना अपने अंडर आईज में, क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े बैग्स बन गए ना काले काले, वो सारे निकल जाए। ऐसे लग रहा है पूरा घर का काम, बाहर का काम, सारा चीज़ मैं ही करती हूँ, मुझ पर ही बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, पता नहीं, मुझे तो ये अंडर आईज़ की, ये जो ब्लैक अंडर आईज़ है ना, इसका मुझे प्रॉब्लम हो जाता है यार, रमज़ान में बराबर से नींद नहीं मिलती। तो अब मैं ये ले रही हूँ जेड रोलर, ठीक है, ये सर रोलर ले रही हूँ, उसका जो ये साइड है ना, इसको लेके मैं यहाँ पे जस्ट इस तरीके से रोल करूँगी। ये बहुत मुझे अच्छा फील होता है और मैंने बहुत लोगों के वीडियोस में भी देखा है ऐसे करते हुए, तो इसीलिए मैं भी करती हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये ऑल ओवर अपने आईज में ऐसे कुछ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, मे बी ब्लड फ्लो के लिए अच्छा है, पर मुझे तो बड़े मज़ा आता है यार, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम है ना रिलैक्स जैसा फील होता है मुझे, तो मैं तो इसीलिए करती हूँ। सो यस गाइस दैट्स इट, मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, सिर्फ जो अंडर आईज ये कुछ ऐसा लग रहा है, पर ये ऑयली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जेल जैसा, पानी के जैसा है बिल्कुल भी, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दैट्स इट, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन रमज़ान लाइक ईद के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए हैं, देखो सूख से गए हैं बिल्कुल, एकदम पानी तो बिल्कुल पिया ही नहीं जा रहा है आजकल, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए। अब हमने लगाना है लिप बाम, के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला लिप बाम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये अर्थी बाय एलेंजा से है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है, यस कैन सी, मैंने इसको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है। इसमें अच्छा सा एक टिंट भी है और बहुत अच्छा है, आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो, मुझे ये बहुत पसंद है, इसकी स्मेल एंड ऑल, और बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत क्यूट भी लगता है। तो या मैंने तोड़ भी दिया है यहाँ से, पर कोई बात नहीं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, स्ट्रॉबेरी लिप बाम, दैट्स इट, दिस इज़ हाउ माई फेस इज़ लुकिंग। अब मैंने जाना है, सोना है थोड़ी देर, फिर वापस उठ के मैंने सैरी करनी है। एंड या मैंने यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा बातें की अपनी स्किन केयर करते करते, आई रियली होप यू गाइज इन्जॉयड एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है, और कल जब मैं फेस वॉश करूँगी ना, तो मेरा फेस अच्छा दिखेगा, ऐसी नहीं लगूंगी बिल्कुल भी। और या गाइस हमेशा मेकअप में रहते हैं, मैं कंटेंट बनाने के लिए मेकअप करती हूँ, ठीक है, घर पे मैं इसी हालत में रहती हूँ, तो इन केस अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो में देख लो, कुछ भी हेट कमेंट मत करना है यार प्लीज़। बहुत टाइम के बाद मैं ये चैनल पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार लाइक प्यार की उम्मीद करती हूँ आपसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्यार देना। और आप भी ये स्किन मतलब ये आप भी ये रूटीन ट्राई करो, ईद आने वाली है, एक कल चांद रात है, परसों ईद है, ईद मुबारक इन एडवांस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक सम टाइम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड बाय, मेरे न्यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अब मिलते हैं वहाँ पे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।